आज मेरे पास आ रखी है एक क्लासिक और इसके फ्रंट हिस्से में एक आवाज आ रही है, और अगर आपके साथ भी अगले हिस्से से कोई परेशानी है तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर चेक करिए। तो एक बार जरा नजदीक से आपको दिखाता हूँ कि इस टायर को आगे से रोल करने में जब इस गाड़ी को घुमा रहे, मतलब टायर चला रहे हैं, अगला टायर को घुमा रहे हैं, तो एक साउंड आ रही है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक साउंड देखिए, और टायर कितना हैवी चल रहा है। अब इसको मैं दूसरी साइड से भी चलाता हूँ, तो यहाँ पर आपको एक साउंड नजर आ रही होगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये परेशानी क्या है, और अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए बोलने से पहले कि इसके अंदर क्या परेशानी होगी, और मैं इसको खोलता हूँ। तो समस्या का समाधान खत्म करने के लिए, या जो प्रॉब्लम है, सबसे बहुत छोटी इजी, अगर मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बता देता तो शायद आपको मजा नहीं, देखते भी नहीं इस वीडियो को। और जितने भी मेरे भाई हैं जो खाली जो सिर्फ देख के बता देते हैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। मुझे भी तो पता चले कि आखिर मेरे वीडियो देखने वालों के पास कितनी नॉलेज है। और टायर खोलने के लिए सबको पता है 24 नंबर का नट खोलना पड़ता है, यहाँ पर 13 और 12 नंबर का नट बोल्ट है, इसको सिर्फ ढीला करना पड़ता है। और ये उन लोगों के लिए भी जो अगला टायर खोलना चाहते हैं, और इसके बाद एक रोड लेके हमें इस एक्सल को अंदर की साइड ठोकना है। अब मेरे भाइयों जरा इससे देख, इस एक्सल को देख के बताओ कि इस एक्सल के अंदर जो जंग लग रखी है, ये जंग लगने का कारण क्या है, और जंग सिर्फ इतने हिस्से में लग रखी है, रस्ट बोल दो या जंग, ठीक है। उसके बाद मैं टायर को बाहर निकालता हूँ। अब जरा मैं आपको नज़दीक से, अभी तक आपने कमेंट ही नहीं किया तो अभी भी आपके पास मौका है, कमेंट करके बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये होती है सेफ्टी सील, और ये बैरिंग के ऊपर भी एक सील लगती है, वो भी मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। अब जरा बात आई नजदीक से दिखाने की, क्या अभी भी आप देख के बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर है? मतलब मैं इसमें खुल के इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आखिर जानना चाहता हूं कि जो वीडियो देखते हैं उनके पास भी दिमाग होगा, अगर है तो वो कमेंट करके मुझे बताएं कि ये इसमें क्या खराब है। चलिए मैं बाहर निकाल के बताता हूँ, यहाँ बैरिंग होता है, ये इस बैरिंग को बाहर निकाल के देखते हैं। अब बात रही कि बैरिंग निकालने के लिए, हम एक रोड का उपयोग करेंगे, और इसके बाद इस रोड को यहाँ लगाते हैं। अब ये होती है बैरिंग डिस्टेंस कोन, और अंदर देखिए क्या हालत हो चुकी है। अब यहाँ पे बैरिंग तो निकल गया है, पर इसकी जो कॉलर है, ये कॉलर इसके अंदर ही रह चुकी है। अब इसको निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। इसमें नगला जाए देखना, तो निकल चुकी है कॉलर। अब मैं जरा आपको बता देता हूँ कि आखिर ये जो बैरिंग है ये टूटा कैसे है, और इसके पीछे रीज़न क्या है, टूटने के पीछे रीज़न क्या है। जो हमारा कंपनी का ओरिजिनल बैरिंग होता है उसके अंदर दोनों साइड से सील लगी रहती है। अब ये रहा हमारा ओरिजिनल बैरिंग, इसके अंदर दोनों साइड से सील लगी रहती है, ठीक है, यह आपको दिखेगी।
पर इसके अंदर ग्रीस होता है और वो बहुत ही कम रहता है इसके अंदर। तो जब गाड़ी हमारी चलती है कुछ किलोमीटर 10,000 5,000 तो वो बैरिंग जो है, बैरिंग का जो ग्रीस होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें क्या करना होता है, सिर्फ जब भी अगर नए बैरिंग डालते हैं हम, इस तरीके के नए बैरिंग होते हैं, और नए बैरिंग का प्राइस भी आपको यहाँ नज़र आएगा। तो बैरिंग की सील खोलनी है। अब देखिए नए बैरिंग के अंदर यहाँ पे ग्रीस है पर बहुत ही कम है, ना के बराबर ही समझिए। तो सिर्फ तो हमें बैरिंग को निकालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा ग्रीस एक्स्ट्रा हमें अपने पास से डाल देना है। जिससे कि हमारे बैरिंग की जो लाइफ होती है थोड़ी सी और बढ़ जाए। देखने के लिए छोटा सा काम है पर ये काम वाकई में बहुत कारगर है और यूजफुल भी है। अब देखिए ग्रीस इसके अंदर भर के रहेगा। जहाँ बैरिंग हमारा 10,000 किलोमीटर चलना था वो 20,000 किलोमीटर 25,000 किलोमीटर चलेगा। ऐसा करने के बाद बैरिंग को अंदर सिर्फ ठोक देना है। तो अब ठोकने के बाद देख लेते हैं कि हमारा तो अब एक बार गाड़ी को फिट कर लेते हैं टायर को, देखते हैं आवाज आ रही है या नहीं। तो अब टायर फिट हो चुका है कंप्लीट, और देख लेते हैं कि साउंड, देखिए आप टायर में देखिए आप कोई साउंड, और टायर देखिए कितना फ्री घूम रहा है, जो पहले टायर इतना जाम चल रहा था ना आगे पीछे सब तरीके से। तो एक बार मेरे को दिखा दीजिए। तो जो वीडियो बनाने का मेन मकसद यही था कि छोटी सी प्रॉब्लम रहती है, इंसान समझ नहीं पाता है प्रॉब्लम कहाँ पर है, और उस चक्कर में काफ़ी चीज़ें खोल भी बैठता है और परेशानी लंबी भी बैठ सकती है। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि छोटी सी दिक्कत है और उसका छोटा सा सिंपल सा सलूशन आप लोगों तक पहुँच सके वीडियो के माध्यम से। तो जल्दी मिलते हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।